दोस्तों, अगर मैं कहूं आप आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से 50,000 तक का लोन सिर्फ 10 मिनट में ले सकते हैं, तो ये बात सुनकर आप सोचेंगे कि ये वीडियो केवल चैनल पर व्यू बढ़ाने के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर सच्चाई में अगर बात कहें तो अगर आप अपने कीमती समय की 5 मिनट तक इस वीडियो को देखेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप सिर्फ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से 50,000 तक का लोन आसानी से ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि लोन स्कीम मोदी जी द्वारा भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्कीम है, तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि लोन केंद्र सरकार की स्कीम द्वारा चलाया जा रहा है। तो अब इसमें ब्याज दर की बात करें तो आपको केवल 7% ब्याज दर देनी पड़ेगी और लोन की किस्तें अगर किसान समय समय पर चुकता करेगा तो उस किसान को 35% की सब्सिडी मिलेगी। यानी 50,000 तक का अगर आपका लोन होगा तो इस लोन में से 16,800 की सब्सिडी हो जाती है, यानी आपको 34,200 रुपए की ब्याज दर देनी पड़ेगी लोन समय समय पर चुकता करेंगे तो। अब आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी लोन स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है और साथ में लोन स्कीम का आवेदन कौन से लोग कर सकते हैं। अब आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये आवेदन आप ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं और डेस्कटॉप पीसी के माध्यम से कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है और केंद्र सरकार की इस लोन स्कीम के तहत आप 10,000, 20,000 और 50,000 तक आवेदन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें आपको प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन स्कीम है जिसमें आम नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यानी खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार ने इस लोन स्कीम को शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार का कि सड़क विक्रेता है जो सड़कों के किनारे झुकी झोंपड़ियों में रहते हैं और अपना ठेला रेडी और कोई अन्य स्ट्रीट वेल्डर का काम करते हैं, क्योंकि इसमें मोटा तौर पर सरकार ने बताया गया है कि जो इस योजना का आवेदन करेगा वो राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित लाभार्थियों को उपलब्ध दिया जाएगा जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन 2014 से लगातार अपने व्यवसाय को लगातार चला रहे हैं उनके लिए स्कीम बनाई गई है। तो लोन स्कीम में काफी गजब की है। शुरुआत में अगर आप आवेदन 50,000 का लोन करेंगे, अब फिलहाल में 3,36,218 आवेदन 50,000 लोन के लिए किया गया है जिसमें से 2,72,938 आवेदन केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं और 2,56,000 लाभार्थियों को लोन मिल गए हैं और बाकी 29,545 लोगों का बैंक द्वारा लौटाए गए आवेदन अभी बाकी है, यानी चुकाया गया कर्ज अभी जीरो की संख्या में है। लेकिन अभी अभी अगर आपने शुरुआत करनी है तो 50,000 तक के लोन की आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। सम्मान प्रक्रिया है, आप अपने नजदीक में जन सेवा केंद्र पर जाकर प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ये चाहती है कि अपने पास स्वयं के पास एक रोजगार हो, हर नागरिक के पास स्वयं का रोजगार होगा तो वो अपने परिवार की पिछली पीढ़ी है उसके लिए एक रोजगार की नींव रख सकेगा। अब आपको एक बता दूं, अगर आप मोबाइल से आवेदन करना चाहते हैं, इसका लोन आवेदन चाहते हैं, तो उद्यम का आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यानी आपको उमंग का एक ऑफिशियल ऐप है जो प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा, वहां से आवेदन कर सकते हैं। अगर मोबाइल से आवेदन करना है तो लिंक वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक अच्छी न्यूज के तौर पर बनाया गया है, उसमें लोन प्रक्रिया को पूरी अच्छी तरह से समझाया गया है, उस वीडियो को देख सकते हैं। वहीं अगर आप अनपढ़ है और अपने नजदीक में जन सेवा केंद्र CSC पोर्टल ई-मित्र पर जाकर इस लोन स्कीम के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए आप वीडियो लगातार देखिए। तो अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ इस लोन के लिए 10,000 के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, इस PM स्वनिधि लोन स्कीम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही पेज ओपन होगा। इस पेज पर आपको 10,000 ऋण के लिए आवेदन कैसे करें इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, इस पेज पर आपको पूरी जानकारी मोबाइल नंबर और OTP के द्वारा देनी होगी, यानी आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद ये कैप्चा कोड है इसको यहाँ एंटर करना है और OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके जो यहाँ एंटर किए गए मोबाइल नंबर है
उन पर OTP आएगा। चलिए ये पहले मैं आपको दर्ज करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस देखेंगे। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर क्या आपके पास आधार कार्ड है इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड मौजूद है तो इसे यस पर क्लिक करें, वरना आपको नहीं पर क्लिक कर सकते। अगर स्टेट वेंडर में आप अपनी पात्रता जान सकते हैं, इसमें से कौन से आप श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तीन प्रकार की कैटेगरियां बनाई गई। स्ट्रीट वेंडर जिनके पास शहरी निकाय समूह से सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आपको इनमें से एक ऑप्शन को क्लिक करना है। मैंने नीचे का एक ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है क्योंकि मेरे को अभी लोन तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके लिए ये प्रक्रिया मैंने बताने की कोशिश की है। अब आपके सामने इसे विक्रेता श्रेणी की जांच करने का विकल्प दिया गया, जिसमें से आप आधार कार्ड है तो यहाँ पर सिलेक्ट करें। अब आपको दो नंबर ऑप्शन है जिसमें आपको आवेदन पत्र भरने की प्रोसेस बताई जा रही है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और उसके बाद आवेदन जमा करने की पूरी डिटेल आपको जमा करनी होगी। ये तीन श्रेणियों के अंतर्गत आपको आवेदन किया जाएगा, लेकिन चार स्टेप के अंतर्गत आवेदन किया गया है। इसकी पूरी जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास ना तो सर्टिफिकेट है और ना ही आवेदन करने की मेरे को आवश्यकता है, लेकिन अगर आपको आवेदन करना है तो एक बार ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से लोन स्कीम के बारे में बताने की पूरी कोशिश की है, ताकि हर किसान इस लोन स्कीम के तहत आवेदन कर सके और अपने जरूरत के हिसाब से 10,000 से 50,000 तक का लोन ले सके। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, केंद्र सरकार की अच्छी स्कीम है, ताकि हर गांव का ज्यादा से ज्यादा किसान वर्ग जो अपने खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत लोन ले सकते हैं। तीन श्रेणियों का लोन है, 10,000 लोन, 50,000 का लोन और 20,000 का लोन। आपकी इच्छा है, आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं, केंद्र सरकार की स्कीम के अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन स्कीम के बारे में हमने विस्तार से जानकारी बताई है, इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह समझाई है और पूरी जानकारी है। क्योंकि दोस्तों अब आप ये मत सोच लेना कि आपने इस वीडियो में आवेदन करने की प्रोसेस नहीं बताई है, इसके लिए आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको आवेदन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आप संपर्क करने के लिए भी इसमें हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, वहां से संपर्क कर सकते हैं। वहां से संपर्क करके लोन स्कीम के बारे में टोल फ्री नंबर है, वहां से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब आपसे यही आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में पूरी बताई गई जानकारी को समझ चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद।